तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई जो कि झटपट बन के रेडी हो जाएगी और ना ही इसमें आपको गैस जलाने की जरूरत है, ना ही मावा और ना ही चाशनी। और आप इसको 2 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 2 चम्मच चीनी का पाउडर और 2 चम्मच पानी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक ये पाउडर अच्छे से पानी में मिक्स ना हो जाए, उसको अच्छे से घुमाते रहिएगा। उसके बाद इसमें डालना है हमें येलो फूड कलर, जो कि मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, तो वही हम फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको भी हम 2 से 3 बूंद इसमें डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारे दूध पर फ्रेश मलाई होती है ना, वही मैंने इस्तेमाल की है। और उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच शुगर पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको मिक्स करने के लिए, अगर फ्रेंड्स अगर आपके पास दूध की फ्रेश मलाई नहीं है तो आप मार्केट स्टाइल मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उसको भी मिक्स कर लूंगी। चलिए ब्रेड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा आप व्हाइट ब्रेड लें, इससे ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं यहाँ पर एक ग्लास की सहायता से इसको कट कर लूंगी और ये मैंने सारी ब्रेड्स यहाँ पर कट कर ली हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको राउंड शेप में कट करनी है। और जो वेस्टेज पास हमने पार्ट निकाला है, आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, आप इसे आप ब्रेड क्रम्स वगैरह आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्टफ बनाया था मलाई का, वो अच्छे से फिल कर लेंगे और ऐसे दूसरा जो हमने ब्रेड का यहाँ पर पार्ट कट करके रखा है उससे इसको कवर कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स कितना इजी है। और अब जो हमने शुगर सिरप रखा था ना बनाकर, वही येलो पार्ट वाला, उसमें अच्छे से इसको डिप कर लेना और कुछ इस ऐसे फोक की सहायता से इसको अच्छे से निकाल कर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा होता है ना, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जिसके ऊपर इसके अच्छे से यहाँ पर लेयर आ जाए और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो कुछ इस तरीके से इस पर हल्के हाथों से आपको कोटिंग करनी है। तो ये लीजिए हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं सारी मिठाइयाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। तो हमारी यहाँ पर मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पर कोई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप बादाम काजू वगैरह को अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने पिस्ते को क्रश कर लिया और उसको अच्छे से इस पर अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना कोको पाउडर डाल रही हूँ, जिससे वो और अच्छा लगे देखने में। और अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट जेली लगाऊंगी, अगर आपके पास जस्ट जेली नहीं है तो आप लाल वाली चेरी जो होती है वो आप लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको और अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी। तो देखिए जैसे बाजार की दुकान में मिलता है, तो लग रहा है ना बिल्कुल बाजार के जैसा। तो ये देखिए हमने कितनी आसान तरीके से ब्रेड्स की चमचम मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है फ्रेंड्स, हमें ना ही ब्रेड को तलना है और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इसको पास से कट करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए हमने इसको सोया सिरप में डाला है, फिर भी इसकी मलाई बाहर नहीं निकली है। और ये देखिए कितने आराम से कट हो गई है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।